Good morning, dear friends, and greetings in Jesus' name on this brand new day. सुप्रभात मेरे मित्रों और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका अभिवादन करता हूँ इस नए दिन में. And let us spend few minutes and listen to the voice of God. और आइए कुछ समय को बिताकर हम परमेश्वर के वचन से सुनेंगे. In the Gospel according to Saint John, chapter 2. और यहूना रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय में. I'm sorry, chapter 20. क्षमा करिएगा 20वें अध्याय में verse 22 और उसका 22वां वचन. We read something very special here. हम एक खास बात को यहां पर पढ़ते हैं. I just say Jesus when he had said this he breathed on them and said to them receive the Holy Spirit. यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो. Here we have the breath of Jesus, breath of God imparted upon the disciples. और यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर का श्वास चेलों के ऊपर फूंका गया. What is this breath of God? और परमेश्वर की ये श्वास है क्या? This is life-giving energy. ये है जीवन देने वाला एक स्रोत, एक ताकत. You remember, अगर आपको याद हो, after making man with a handful of dust from the earth, मानव को एक मिट्टी का मुट्ठी भर मिट्टी लेकर बनाने के द्वारा, and it was just a man's form. और ये सिर्फ एक मनुष्य का रूप था. But there is no life. लेकिन उसमें कुछ जीवन नहीं था. And life came when God stooped down and breathed into the nostril of that form. लेकिन जीवन तब आया जब परमेश्वर ने उस रूप में उसकी नथनों में अपनी जीवन की सांस को फूंका. Suddenly that form became alive. और अचानक से वो रूप जीवित हो गया. So that's why I always say. और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ. The body in itself does not have life. कि शरीर में अपने आप कोई जीवन नहीं. It takes the breath of God to receive the life-giving energy and for a person to be alive. ये तो परमेश्वर की जीवन देने वाली शक्ति या वो श्वास है जो एक एक मनुष्य को जीवित रखती है. And without this energy, there is no movement. और याद रखिए इस ताकत या स्रोत के बिना कोई चाल नहीं. No action. कोई कार्य नहीं. No emotion. और कोई भावना नहीं. No potential for growth. और कोई बढ़ने का भी कोई आगे कोई जरिया नहीं. No potential for addition. और कोई जुड़ने का भी कोई जरिया नहीं. Or multiplication. या बढ़ने या गुणांक होने का भी कोई तरीका नहीं. And there are two other occasions. और दो और ऐसी जगहें. When the breath of God made alive the lifeless. कि जहां पर परमेश्वर की सांस ने जो जीवन रहित थे उनको जीवन दिया. एंड सो नंबर वन, पहली घटना, जॉन मस्ट हैव बीन थिंकिंग बैक टू द ओल्ड स्टोरी ऑफ द क्रिएशन ऑफ मैन. और यहूना सोच रहा होगा उत्पत्ति में लिखी गई मनुष्य की पुरानी जो शुरुआत थी उसके विषय में. As I mentioned in Genesis chapter 2 verse 7 says, जैसे मैंने कहा उत्पत्ति की पुस्तक दूसरा अध्याय सातवें वचन में, and the Lord God formed man of dust from the ground and breathed into his nostril the breath of life and man became a living being. कि परमेश्वर ने मिट्टी से मानव के रूप की रचना करी और उसके नथनों में अपने जीवन की सांस को फूंका और मनुष्य या मानव जीवन जीवित हुआ. So that is the first occasion. और ये वो पहली घटना थी. And the second one. और दूसरी घटना. Is in Ezekiel chapter 37 verse 9. और यजीकेल नबी की पुस्तक 37वां अध्याय उसके 9वें वचन में. So what do we have here? और यहाँ पर हम क्या देखते हैं? Can you read? 17. परमेश्वर यहोवा यूं कहता है चारों दिशाओं से आकर इन घात के हुओं में समा जा कि ये जी उठे. So here is the picture as Ezekiel saw in the valley of death. Dry bones. और यहाँ पर हम एक दृश्य को देखते हैं जो यजीकेल नबी ने उन सूखी हड्डियों की घाटी में देखा. And when he Ezekiel heard, God said to the wind,
और जब यजकेल ने इस बात को सुना कि परमेश्वर कहता है कि यूं तू हवाओं से कह, यू कम फ्रॉम द फोर विंड, कि तुम चार दिशाओं से वो हवा बहे, ओ ब्रेथ एंड ब्रीथ अपॉन दी स्लेन दैट दे मे लिव, और वो सांस बहे और इन मरे हुए घात किए हुओं पर फूकी जाए ताकि ये फिर से जी उठे। I'm sure all of you remember the occasion. मुझे पूरी आशा है, विश्वास है कि आप सब इस घटना को याद। By the spirit, Ezekiel was brought into a valley filled with dry bones, very dry bones, and he was set in the middle of the dry bone. कि परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा यजकेल नबी को उन सूखी हड्डियों की घाटी में ले आया जहां वो घात किए हुए लोग थे जो सूखी हड्डियां दिखाई देती। एंड गॉड आस्क्ड अ क्वेश्चन टू यजकेल, और परमेश्वर ने यजकेल से एक सवाल को पूछा, सन ऑफ मैन विल दीज बोन्स और कैन दीज बोन्स लिव अगेन, कि मनुष्य के पुत्र मुझे ये बता क्या ये हड्डियां फिर से जी सकती हैं। यजकेल was very wisely said. और यजकेल ने बड़ी समझदारी के संग उत्तर दिया, Lord, you know it. कि परमेश्वर तू जानता है। I don't know. मुझे नहीं पता। But you know it. लेकिन तुझे पता है। And my friends, that is a very good, sensible answer. और मेरे मित्रों, ये बहुत समझदारी भरा उत्तर था। What I don't know, He knows. क्योंकि जो मुझे नहीं पता, वो परमेश्वर जानता है। What you do not know, जो आप नहीं जानते, He knows. वो जानता है। So it is better that we always trust Him and depend on Him. और इसलिए अच्छा है कि हम उस पर भरोसा रखें और हमेशा उसी परमेश्वर पर निर्भर रहें। And it is very important. That we understand that when the Bible talks about the breath of God, it is a life-giving energy from God. और ये बहुत महत्वपूर्ण है जो हमें समझना है, जहाँ कहीं भी बाइबल परमेश्वर की श्वास के विषय में बात करता है, ये परमेश्वर के द्वारा जीवन देना सामर्थ देने वाला शक्ति है। And God asks Ezekiel to prophesy. और परमेश्वर ने यजकेल से कहा कि तू इन हड्डियों पर भविष्यवाणी कर। And you know the result. और आपको वो का आपको उस बात का परिणाम पता है। At God's word. और परमेश्वर का वचन। The wind began to blow. और चारों दिशाओं से वो हवा चलने लगी। There the word used is breath. Oh breath. और जो शब्द का प्रयोग वहाँ किया गया है, वो है हे श्वास। And breath upon came. Breath came, and the wind just blew over the bones. और वो श्वास आई और उन चारों दिशाओं से वो हवा उन हड्डियों के ऊपर बहने लगी। But in the passage we read, लेकिन जो अध्याय हमने पढ़ा, Jesus is commissioning his disciples. यीशु यहाँ पर अपने चेलों को भेजता है, तैयार कर रहा। In verse 21. 21वें अध्याय में। What Jesus told his disciples meant two things. और जो यीशु ने अपने चेलों से कहा, उन बात का दो मतलब था। It means. इसका मतलब था। Jesus Christ needs the church. कि यीशु मसीह को कलीसिया चाहिए या उसकी आवश्यकता है। Jesus had come with a message to all men everywhere. और यीशु मसीह हर मनुष्य के लिए एक संदेश को लेकर आया हर एक स्थान पर। Now he is going back to his father. और अब वो अपने पिता के पास वापस जाता है। And the message could never be taken to all men unless the church does it. और ये संदेश सब मनुष्यों तक तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक कलीसिया इसे ना करे। And so Christ is dependent on his church. और इसलिए मसीह यीशु अपनी कलीसिया पर निर्भर है इस बात के लिए। And so Jesus Christ needs his church. और इसलिए यीशु मसीह को अपनी कलीसिया की आवश्यकता। And the second point is. और जो दूसरी बात है। The church needs Christ. कि कलीसिया को प्रभु यीशु की आवश्यकता। A person who is to be sent needs someone to send him. और एक व्यक्ति जिसे भेजा जाना है, उसे चाहिए किसी दूसरे व्यक्ति को जो उसे भेजेगा। That's what we understand here. और इसी बात को हम यहाँ समझते हैं। He needs a message. और उसे एक संदेश की आवश्यकता। And he needs a power. And he needs an authority
टू बैक हिज मैसेज। और उसे एक सामर्थ की जरूरत है, उसे एक अधिकार की जरूरत है कि वो अपने संदेश को उस अधिकार पर आधारित कर सके। एंड दैट इज व्हाट वी हैव हियर। और यही उसी बात को हम विदाउट जीसस द चर्च हैज नो मैसेज। यीशु के बिना कलीसिया के पास कोई संदेश नहीं। एंड विदाउट जीसस और यीशु के बिना द चर्च हैज नो पावर। कलीसिया के पास कोई सामर्थ्य नहीं। एंड विदाउट जीसस द चर्च हैज नो अथॉरिटी। और यीशु के बिना कलीसिया के पास कोई अधिकार नहीं। सो आफ्टर कमीशनिंग और इसलिए उन्हें भेजने के द्वारा ही ब्रीथ्ड अपॉन देम। यीशु ने उनके ऊपर अपनी श्वास को फूंका। That it was now their responsibility to carry the message and spread the message of the gospel of salvation everywhere. कि अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि उद्धार के सामर्थ्य या मोक्ष के उस उद्धार सुसमाचार के संदेश को हर जगह लेकर के जाएं। Among all the people, हर एक लोगों के बीच में, every tribe, every kindred, every nation, every language, हर एक जाति, हर एक भाषा, हर एक कौम और हर एक जन के बीच में। And my friends, और मेरे मित्रों, you and I today have the greatest privilege of having this message, not only the message, but also the power and the authority and everything that is needed for you to be an authorized man to give out. वो सारा सौभाग्य है, वो सारा अधिकार है कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अधिकारित किए गए हैं कि उसके गवाह और सुसमाचार का। So let's be carriers of this great good news. और होने दें हम इस महान सुसमाचार को लेकर के चलने। Message has come from Jesus himself. और ये संदेश यीशु से खुद आया। He is the message. और ये यीशु खुद ये संदेश है। And let us present Jesus to everyone. और इसलिए हम यीशु को हर एक को प्रस्तुत करें। That is your life. और यही आपका जीवन है। Amen. Amen. Holy Spirit of God. परमेश्वर के पवित्र आत्मा. Now we as your servants. और हम जो तेरे दास हैं. Trust you to empower us by your Holy Spirit. तुझ पर विश्वास करते हैं कि तू अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सशक्त बना. By your breath. तेरी श्वास के द्वारा. Breathe upon us, O Lord. हम पर आप अपनी सांस को फूंकिए. That the message you are declare will be backed up with the power and authority of the Lord Jesus Christ. ताकि जो संदेश तूने मुझे दिया है परमेश्वर उसको हम तेरे अधिकार और उस जिम्मेदारी के संग आगे लेने पाएं। That the strongholds of the devil will be broken down. ताकि शैतान के गढ़ टूटने पाएं। People be free. और लोग आजाद हो जाएं। Set free from the power of Satan, power of sin, power of temptation. और लोग शैतान के पाप के दुष्टता के सामर्थ्य और शक्ति से आजाद कर दिए जाएं। Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर। Amen. Amen. The Lord bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। As you give yourself to the work of God. जैसे आप खुद को परमेश्वर के काम के लिए देते हैं। Amen. Amen. Amen.